उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स प्रदेश में बड़े ही सतर्कता से काम कर रही है। बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी क्रम में एसटीएफ ने फिरौती मांगने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि पिछले महीने थाना मंगलौर में एक शिकायत दर्ज की गई थी, कोई व्यक्ति अर्श डल्ला के नाम से फिरौती मांग रहा है और इस संवेदनशील मामले को देखते हुए यह मुकदमा एसटीएफ टीम को सौंपा गया था। वहीं इस मामले की जांच के दौरान में सामने आया है कि आपसी रंजिश के चलते अर्श डल्ला से संपर्क कर शिकायतकर्ता को धमकी दिलवाई गई थी, जिस पर दिल्ली स्पेशल टीम और एसटीएफ ने एक साथ काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व थाना मंगलौर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके पास में अर्श डल्ला के नाम से एक एक्सट्रॉशन कॉल आ रही है। उस संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसको एसटीएफ को ट्रांसफर किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो शिकायतकर्ता था, इसका ही जो गाँव का जो पड़ोसी था, उसके द्वारा ही आपसी रंजिश में अर्श डल्ला से संपर्क करके उसके माध्यम से उसको धमकी दिलवाई गई थी। इस संबंध में जो दिल्ली स्पेशल सेल के साथ काम करते हुए हमारी एसटीएफ की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसका एक और सहयोगी था जो कि अर्श डल्ला का मेन शूटर था, जो कि अन्य घटनाओं में भी पूर्व में लिप्त था और आगे भी प्लानिंग चल रही थी, उसको भी दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा अरेस्ट